हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। और मैं हूं ब्लैक साउथ। तो जादूगरी दिख रही होगी थोड़ी सी, पर इसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट आया, पिंग अप डाउन हो गया, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टर्स थोड़े ढीले हो गए। तो क्या करूँ मैं, अब करेक्टर ढीला है फिलहाल। देखेंगे जरूर कैसे करेक्टर मजबूत होंगे, कौन सी टीम कैसे खेलेगी, कौन सी टीम कैसे खेलेगी जब आमने सामने टीम डी सी एच चैंपियनशिप 5.0 के अंदर टीम डी वर्सेस लॉकेस गेमर की स्क्वाड होगी। जी हाँ, लॉकेस गेमर की तरफ से विशाल होने वाले हैं, स्वम होने वाले जो जा चुके हैं, और मिस्टर जे होने वाले हैं, और कैप्स होने वाले हैं। तो देखेंगे जरूर, और 170 का हेडशॉट मार के नॉक जरूर हुए अगेंस्ट होने वाले हैं, और महेंद्र उनके साथ होने वाले हैं, हेडशॉट एक कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ रोहन होने वाले हैं, और या ही होने वाले हैं। तो देखेंगे जरूर मैच कैसा होगा। टीम डी वन आप लॉकेस गेमर के बीच में बेस्ट ऑफ थ्री के तीन मैच होने, और ये मुकाबला है टीम डी सी एच चैंपियंस दूसरा राउंड है, मार्स लैक्टिस का राउंड है। तो देखेंगे जरूर कैसे मुकाबला होगा। जी जब लॉकेस गेमर बना टीम डी का बैटल छिड़ेगा। आमने सामने फिलहाल डैमेज देने की ट्राई, दो हेडशॉट मारे रॉकर की तरफ से, लाल अक्षर देखने में जरा रहे हैं, काफी अच्छे हेडशॉट देने, सामने से एक और बंदे ना है, ओ माय गॉड, एक क्या अब उल्टा भागेंगे, दो बंदे लॉकेस गेमर के नॉक हो गए, मिस्टर जय और विशाल रह गए। तो टीम डी की तरफ से महेंद्र बाहुबली, रॉकर सिंह, और साथ के साथ रोहन होने वाले, और या ही कंप्लीट हो जाएंगे। 3v2 की फाइट होगी, 2v2 की फाइट होगी, दो बंदे टीम डी के, दो बंदे लॉकेस गेमर के, महेंद्र निकल पाएंगे नहीं, रोहन ऊपर की तरफ होने वाले, मिस्टर जय की हेल्थ बहुत लो, और साथ के साथ जय की भी लो हेल्थ है। तो दोनों बंदे अपने आप को हील पूरा कर रहे हैं। तो टीम डी के दो बंदे इनके सामने होने वाले, महेंद्र बाहुबली सीधा पुश इन करेंगे या नहीं, देखेंगे जरूर, और कैसा गेम करेंगे। ओ माय गॉड, क्या ही हेड शॉट, काफी अच्छे खेलती हुई नजर आ रही है लॉकेस गेमर की स्क्वाड। इसमें टीम डी बचे हैं अकेले रोहन ठाकुर, और रोहन सर को भी लेके कंप्लीट कर दिया जाएगा, और वापसी करेगी लॉकेस गेमर की स्क्वाड। थर्ड राउंड सीपीआर के अंदर है, डी रॉकर का सीधा पुशिंग हो रहा है, सामने है लॉकेस गेमर की स्क्वाड जो काफी उम्दा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। टीम डीसीएच 4.0 के अंदर बेस्ट ऑफ थ्री के तीन मैच होने, जोन सी टीम जीती वो क्वालिफाई, और जोन सी टीम हारी आज इस टूर्नामेंट से अलविदा कह देगी। तो देखेंगे जरूर कौन सी टीम आज जीत के आगे बढ़ेगी, और कौन सी टीम आज हार के वापसी के संकेत देगी, फिलहाल देखने वाली बात होगी। टीम डी बनाम लॉकेस गेमर की फाइट होने वाली है 4-on-4 की, पूरी टीम है पूरी तैयार एक दूसरे के लिए, मौके पर चौका मारने के लिए। तो देखेंगे जरूर कौन सी टीम किस पर मौका जमाएगी। फिलहाल रॉकर लेफ्ट रोटेशन ले रहे हैं, महेंद्र अपने आप को पैक करके बंदों की लोकेशन देख रहे हैं, और रोहन बात करें तो शॉटगन के साथ बंदे के सामने खड़े हैं कि एक बंदा इधर मैं इधर, और यही सिर्फ डेजर्ट ईगल से बैकअप देंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, कोई किसी के सामने नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कोई किसी को पीक नहीं दे रहा है, होल्ड कर रहे हैं, यही यहाँ पर डेजर्ट ढूंढ रहे हैं कि बंदा हो सामने वाला मेरे को मारे तो सही और मैं हेड शॉट दूँ। और यहाँ पर मिस्टर जैको लॉके, ओह मिस्टर जैको नॉक ले जाएंगे। जी हाँ, लॉकेस गेमर की स्क्वाड मुसीबत में, डी रोहन के आ रहे हैं बॉडी शॉट और एक किल निकालेंगे, डी रोहन फर्स्ट ब्लड निकालेंगे एक बेहतरीन मैच के अंदर, डेब्यू कर रहे हैं, और 3-on-3 की फाइट है, अंदर बंदा होने वाला है, 3-on-3 में क्या कुछ होगा। कैप्स को पीछे से डैमेज दिया गया, काफी अच्छा ओम चला रहे हैं, ओम और UMP चला रहे हैं, और सामने जी यही होने वाले सिर्फ डेजर्ट ईगल से, ओ माय गॉड यही भी जाएंगे यहाँ पे महेंद्र बाहुबली, देखेंगे जो जब पीछे आगे से पड़ेगी, और महेंद्र भी जाएंगे, और रोहन अकेले रह गए, और रोहन शॉटगन में फंसे, और यहाँ पे ग्लूबा लगी है अपना, फंसेंगे और वापसी करेगी लॉकेस गेमर की स्क्वाड, 2-2-1 से लीड में, वापसी नहीं कर रही है, 2-1 से लीड में लॉकेस गेमर की स्क्वाड, क्या बात है। फोर्थ राउंड है, और यहाँ पे लॉकेस गेमर की स्क्वाड बैटल कर रही है टीम डी से, और फिलहाल लीड में भी है। जी हाँ, टीम डी की स्क्वाड मुसीबत में दिख रही है अगेंस्ट में लॉकेस गेमर, क्या लॉकेस गेमर की स्क्वाड वापसी करती दिखेगी, देखेंगे जरूर, उम्मीद है बहुत ज्यादा लॉकेस गेमर की स्क्वाड से, टीम डी को यहीं पर रोके और अगले राउंड में जाने से यहाँ पे रोक दिया जाए और खुद क्वालिफाई करें। देखेंगे जरूर कौन सी टीम आज क्वालिफाई करेगी, तीन मैच इन टीमों के बीच में होंगे, तो देखेंगे जरूर कौन कौन सी हमको टीम मिलेंगी जो क्वालिफाई करने वाली है अगले राउंड में। फिलहाल मैच काफी अच्छे तरीके से चल रहा है लॉकेस गेमर वन आप टीम डी के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर रॉकर राइट से जरूर घूम रहे हैं, और रॉकेस गेमर की स्क्वाड पूरा होल्ड करके खेल रही है, सामने वाली स्क्वाड को रस करा रही है अपने ऊपर, जहां बिल्कुल भी रस नहीं कर रही है। और वही बात करें तो टीम डी के बंदे सीधा पुश करेंगे, वहीं पे मिठाई और पिटाई खाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। 4-on-4 ऊपर बंदा होने वाला है, डैमेज देने की ट्राई थी पर बच्चे ऊपर वाले बंदे से, एक बंदा नॉक है, शिवम को नॉक ले लिया है, रॉकर के हेडशॉट आ गए, कैप्स ऊपर नॉक हो जाएंगे, डबल ओम जो चला रहे थे विशाल भी यहां पे नॉक हो जाएंगे, अकेले मिस्टर जय के सामने, देखेंगे जो कैसे लॉकेस गेमर की स्क्वाड पे मुसीबतें बढ़ रही है, वापसी कर रही है टीम डी मेरे ख्याल से, कह सकते हैं जी हाँ, अकेले जय देखेंगे जो क्या बंद भी सीखने बंद के लिए आए, पर बॉल थोड़ी इधर लगी अंदर बस उसे एक बंदे को डैमेज पर यह ही किल, और मैच आ चुका है 2-2 पे, क्या ही मुकाबला टीम डी वन आप लॉकेस गेमर के बीच में। पांचवा राउंड कौन सी टीम कमबैक करती दिखेगी, देखेंगे जरूर। ओ माय गॉड, हेडशॉट क्या ही मारा है, इतनी देर में आया तो लाल देखा DEI की तरफ से, और कमबैक होगा, जहाँ कम बैक होगा, पर मैच 3-on-3 पा चुका है टीम डी के, टीम महेंद्र नॉक जरूर है पर रिवाइव कर लिया जाएगा, लॉकेस गेमर की स्क्वाड पूरा हील हो चुके हैं, जहाँ बंदों को रिवाइव कर लिया गया पर बंदों की हेल्थ जरूर लो है पर हील कर लेंगे जरूर, और यही की हेल्थ
काफी लोग 100 की हेल्थ बचे के यही बच पाएंगे, पीछे की तरफ भाग जरूर रहे बचने के लिए, और भाग पूरा ट्राई कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं कि बच पाएंगे डीआई या नहीं। देखने वाली बात हुई 3-on-4 की फाइट है लॉकेज गेमर कप, चारों बंदे फुल हील है और हर एक चीज इनके पास परफेक्ट दिख रही है। क्या वापसी कर रही है फिर से लॉकेज गेमर कप स्क्वाड, 3-2 से देखेंगे जरूर। जब टीम डी की तरफ से तीन ही बंदे देखेंगे हमको इस मुकाबले में, या ही रॉकर एंड रोहन, और देखेंगे जरूर कैसे मुकाबला होगा जब लॉकेज गेमर कप स्क्वाड पूरा पंजा कसना चाहेगी। यहाँ पे बात करें तो बैकअप दे रहे हैं लॉकेज गेमर की तरफ से कैप्स डबल सिंगल ओम के साथ, और टीम डी को बैकअप दे रहे हैं डी रोहन। तो देखेंगे जरूर डी रोहन कैसा खेल पाएंगे जब सामने एक बेहतरीन स्क्वाड देखेंगे अपने डेब्यू मैच में। फिलहाल डैमेज अच्छा खासा दिया डी रोहन से, बहुत ज्यादा उम्मीद है टीम डी को कि अच्छा परफॉर्मेंस दे। जी आज इनको मौका दिया गया तो देखेंगे जरूर मौके पे क्या चौका दे पाएंगे। फिलहाल न्यू प्लेयर शामिल हुए हैं टीम डी के अंदर और हेडशॉट भी अच्छे दिए हैं, मैच बराबरी पे लाके खड़ा कर दिए हैं। फिलहाल 3-on-3 की फाइट है, कैप्स को रिवाइव नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल से, स्वयं पूरा डेजर्ट से हेडशॉट लेने की फिराक में। तो जय बंदे को रिवाइव करने जा रहे हैं, क्या गलती हो सकती है? जी नहीं, बच गए 3-on-3। रॉकर पूरा ट्राई कर रहे हैं पुशिंग करने के, और एक और डी आई को पे नॉक लिया है, बंदे को बॉडी डैमेज दिया। 2-on-3 की फाइट है, 2-on-3 में देखेंगे जरूर कैसा ही मुकाबला होगा और कैसा ही गेम प्ले होगा। नीचे कूदे, नीचे होगा बंदा, देखेंगे बॉडी डैमेज। नहीं, यहाँ पे फंसे बंदे को देखा है, नॉक निकालेंगे। 2-on-2 की फाइट होगी, 2-on-2 की एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। कौन सा ऐसा बंदा है जो पैक कर लिया है अंदर या फिर बच गया है? ये क्या हो गया भाई, कौन है अंदर और क्या हो गया ये? और रॉकर अपने आप को बड़ी चालाकी से अंदर बचा लिया और 3 की हेल्प पर बचे, क्या बात है। बंदा यहाँ पर इनको पता था बसर इतनी तगड़ी थी कि एलिमिनेट होना लाजमी था, पर समझदारी दिखाई, गन फायर रोक के दिमागदारी दिखाई, और क्या ही वापसी टीम डी की तरफ से 3-2 से। छठा राउंड है फैक्ट्री का राउंड, और बात करें 3-2 की लीड में है टीम डी अगेंस्ट में लॉकेज गेमर। तो देखेंगे जरूर मुकाबले में क्या होगा, क्या लॉकेज गेमर की स्क्वाड कमबैक करती दिखेगी या नहीं। और बॉडी शॉट अच्छे दिए, कोई ऊपर बंदा चढ़ने की ट्राई में था, मिस्टर जय ऊपर जाने की तैयारी में थे, पर ऊपर जाने से इनको रोका बहुत अच्छा, और गिराने की फ्राक में टीम डी। फिलहाल विशाल कहाँ पे नॉक ले लगा, विशाल मुसीबत में, बहुत ज्यादा 3v3 की फाइट हुई है। 3-on-3 में क्या कुछ होगा, शिवम यहाँ से हेडशॉट देने के ट्राई में, बॉडी शॉट जा रहे हैं पर इतनी दूर रेंज नहीं मिलेगी, क्या विशाल को हील मिलेगा? यहाँ पर एक और डैमेज, एक और बंदा नॉक, डी आई नॉक हो गए, जो बंदे कंप्लीट करना है उनको भी नॉक कर दिया और एक और बंदे को रिवाइव कर लिया। फाइट 3-on-4 की मैन बराबर होने वाली, एक बंदे पर शॉट ने चलाई और नॉक करके कंप्लीट कर देंगे टीम एंडर। फाइट 3-on-3 के आगे मैच बराबरी पा रहा है टीम लॉकेज गेमर बनाम टीम डी की। ये फाइट काफी महत्वपूर्ण और इनिशियल चल रही है, तो मिस्टर जैक के द्वारा अभी भी यहीं पर अटके हुए हैं, ऊपर बंदे को देख रहे हैं, इनको ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया गया है। और वहां पर बात करते हो अंदर, ऊपर डी रोहन हो गए बैकअप देने के लिए इनको पहले से ही, तो देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है। 3-on-3 स्वयं अंदर की तरफ होने वाले, अकेले महेंद्र होने वाले, क्या महेंद्र पर डैम, ओ माई गॉड, हेल्थ काफी अच्छी लो करी गई इनकी। फिलहाल महेंद्र क्या बच पाएंगे नहीं देखेंगे जरूर, क्योंकि मिस्टर जय ऊपर अभी भी रुके हुए हैं, इनको जाने नहीं दे रहे हैं रॉकर, रॉकर ने इनको फंसाए रखा है अब, पर रॉकर को जाने की बारी आ चुके, अभी बॉडी डैमेज दे रहे हैं। ओ माई गॉड, नॉक निकालेंगे, रॉकर गए नहीं जब तक बंदा नॉक नहीं हुआ। फाइट 2v3 की शिवम पूरा ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ साथ विशाल भी इनके साथ ट्राई करने वाले हैं 2-on-3 की फाइट में, तो देखेंगे जरूर कैसा है मुकाबला होगा। टीम डी वन आप लॉकेज जब बेस्ट ऑफ 3 होना है, टीम किसी अच्छा फसल 4.2 में, टीम डी की स्क्वाड 4-2 से लीड में, क्या बात है। सातवां राउंड डैमेज दिया गया है डी रॉकर को, हेल्थ लो करी गई है, पर रॉकर अलग ही मूड में 5 किल के साथ खेल रहे हैं, महेंद्र भी 6 किल के साथ खेल रहे हैं, और रोहन 6 किल के साथ अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आज टीम डी के अंदर। और आप एक और बंदा नॉक, तो महेंद्र बाहुबली अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं, और इनको फिर से नॉक किया गया है फिर। जी हां, इन्होंने एक बंदा नॉक जरूर लिया, पर इतनी में यहां पे इनको भी नॉक ले लिया है, बंदे का कवर फायर तुरंत आया लॉकेज गेमर की तरफ से, विशाल ने रिवाइव करा लिया अपने चेक को। तो फिलहाल कैप्स को फिर से नॉक ले लिया, कैप्स को क्या रिवाइव मिलेगा देखेंगे जरूर, किसने इनकी खोपड़ी खोली है। हेडशॉट गायब है, 3-on-3 की फाइट है, और रॉकर सीधा रस ले रहा है, पर बात करें तो क्या एक और बंदे का रॉकर ठगा लगा पाएंगे या नहीं देखेंगे जरूर। पर आप यही क्या पीछे से रोटेशन लेकर बंदे को कंप्लीट कर देंगे, यही का टैच टीगल से हेडशॉट आया, सीधा जाके डबल किल कंफर्म करिए। तो फिलहाल देखेंगे जरूर 3-on-3 में क्या होगा, लॉकेज गेमर की तरफ से 3 बंदे शिवम जय और विशाल एक साथ होने वाले, डी रॉकर और डी आई और रोहन होने वाले, यहाँ पे पूरी हाइट का बैटल चल रहा है, नीचे जमीन पे खेल रहे हैं डी रॉकर। तो देखेंगे जरूर 3-on-3 में कैसा ये मुकाबला होगा, कौन सी टीम कमबैक करेगी, क्या लॉकेज गेमर की स्क्वाड कमबैक करती दिखेगी हमको इस मैच में, देखेंगे जरूर। शिवम पूरे मौके के साथ पीछे बैठे हुए हैं, और वही बात करें तो मिस्टर जय घर के अंदर होने वाले, तो जय सर देखेंगे क्या करने वाले 3-on-3 की फाइट में, देखेंगे क्या कुछ होता दिखेगा। अभी भी दोनों तरफ जान है, जी हाँ, दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेल रही हैं, पता है जो सी टीम पहला मैच जीतेगी तो एक दबदबा बना लेगी बेस्ट ऑफ 3 के मैच में। जी हाँ, पहला मैच जीतना कंपलसरी नहीं, थोड़ा सा एक हो जाता है अपर हैंड सेट करना। फिलहाल देखेंगे डी रॉकर के सामने बंदा आया, शॉटगन चलाई, एक बंदे को लो बॉल किया और बंदा दूसरा आएगा, पर डी रॉकर ले जाएंगे फाइट 2v3 की, और रॉकर की 6ठी किल कंफर्म होती हुई नजर आएगी या नहीं देखेंगे जरूर। और ऊपर क्या ही टेक्निक से पहुंचे, यहाँ पर रोहन भी नॉक है, 2v2 की फाइट है, मैच बदल रहा है, टीम गेम चेंज कर रही है, या ही
आई होने वाले हैं, सामने से बॉल लगी हुई आई के अफसान लोग यहाँ पर बॉल लगा के खड़े, पर अंदर घुसेंगे, अंदर घुसे रॉकर और यही गए और यही इलिमिनेट और जोन से एक और राउंड ले गई लॉकेश गेमर स्क्वाड, पिछला टीम डी। तो इस बार लॉकेश गेमर क्या ही गेम भाई, आठवां राउंड डैमेज और नॉक सीधा रस डी रॉकर की तरफ से और एक बंदे को सीधा ले गया पे, कंप्लीट कर देंगे फाइट 2v4 की, कब वापसी कर रही है टीम डी की स्क्वाड क्योंकि लगातार दो बंदे नॉक लिए हैं। टीम डी की तरफ से सीधा पुशिंग हुआ है, जय थोड़ा रुका है पर इनकी स्क्वाड धीरे धीरे में कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, अकेले मैन कर देखेंगे जो और नॉक हो जाएंगे और 2v3 की फाइट वापसी करेंगे, कैसे अपनी टीम को वापसी कराएंगे, एक और बंदा टीम डी का नॉक है, जय वापसी कर रहे हैं, 2v2 की वापस 2v2 की फाइट हो गई है, जहाँ 2v2 की दो ही बंदे टीम डी की तरफ से यही एंड रॉकर रह गए, तो यही रॉकर यही और रोहन देखेंगे जरूर कैसा खेलेंगे, यही रोहन 2-on-2 की सिचुएशन में खेलते हुए नजर आएंगे, यही के सामने बंदा मुझे देख हाई हेलो कराए पर दोनों के किसी पर शॉट कनेक्ट नहीं हुए, बचे हैं दोनों ही बंदे आपस में, हाई हेलो करके वापस आ चुके हैं फिर से 2v2, जय जय का शायद क्या हुआ है, नहीं नहीं ठीक है हील कर देता और वापस आ चुके हैं फिर से 2-on-2 में देखेंगे क्या कुछ होता, देखेंगे यहाँ पर मैच काफी गर्मा गर्मी का, दोनों ही टीमें आमने सामने बैटल ले रही हैं और कौन सी टीम जीतेगी ये जरूर देखेंगे क्योंकि दोनों ही टीमें यहाँ पर जीत के लिए यहाँ पर गेम प्ले कर रही है, यहाँ पर जय को नॉक ले लिया जाएगा, अकेले शिवम जी हाँ अकेले शिवम 1-on-2 में टीम डी की स्क्वाड वापसी करेगी, 5-3 से मेरे ख्याल से लग ऐसी रहा है कैसे 1v2 दे पाएंगे, जी नहीं मुश्किल है दे भी सकते हैं पर दिया ही आए रोहन आए और यही चुपटे हैं दोनों ने, आके हेल्थ तो जरूर लो करी और फाइट 1-on-2 की लाके खड़ी कर दिया, क्या 1-on-2 में बच पाएंगे या नहीं, हेडशॉट बॉडी शॉट दिया जरूर और बचेंगे और कंप्लीट और वापसी टीम डी की 5-3 से और यहाँ पे बात करें 8 किल के साथ रोहन MVP बने हुए और पहले ही गेम में ताबड़तोड़ पाड़ी दी रोहन की तरफ से, क्या कमबैक करेंगे, क्या कमबैक करेगी लॉकेश गेमर स्क्वाड या नहीं देखेंगे जरूर, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो का लाइक एम रहने वाले सिर्फ 20,000, जो भी चैनल पर आ रहे हो वीडियो पर आ रहे हो लाइक बिल्कुल से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमें जल्दी जल्दी 4 लाख की फैमिली करनी है, जी हाँ जो भी स्ट्रीम पा रहे हो जो भी वीडियो पा रहे हो फटाक से लाइक कर दो देरी ना करो, यहाँ पे देखेंगे जरूर 9वां राउंड है क्या कुछ होगा, विशाल सर ऊपर जरूर जा रहे हैं, विशाल सर ऊपर जरूर गए, यहाँ पे नॉक जरूर लिया गया विशाल को फिलहाल देखेंगे और कंप्लीट कर दिया जाएगा, 3-on-4 की फाइट है 3-on-4 की फाइट है 3-on-4 फाइट में क्या कुछ होता दिखेगा और कैसे मुकाबला होगा, बंदे को दिखाया डैमेज देने की ट्राई है, 3-on-4 मैच बदल सकते हैं क्या, लॉकेट गेमर के बंदे जी एक और बंदे को ले गए, जय ऊपर की तरफ होने वाले 3-on-3 कैप्स को नॉक ले लेगा, 2v3 की फाइट हो गई फिर से, मुसीबत है थमने का नाम नहीं ले रही है स्क्वाड के लिए, लॉकेट गेमर स्क्वाड कंटिन्यू मुसीबत का सामना करिए, हेडशॉट कैप 1-on-2 की फाइट 1-on-2 की फाइट, महेंद्र और रॉकर रह गए, महेंद्र और रॉकर रह गए अकेले, जय जय देखेंगे क्या कुछ कर पाएंगे लॉकेश गेमर की स्क्वाड यहाँ पर कमबैक करेगी या नहीं देखेंगे जरूर, शिवम को उठाए जरूर पर बंदा अंदर आ गया और ये पड़ सकता है कभी भी शॉट और ले जाएंगे फाइट 1-on-1 की, अब वापसी कर सकते हैं जी अकेले रॉकर, अकेले रॉकर देखेंगे क्या कुछ करेंगे, क्या याही को रिवाइव करने जाएंगे जी, अब याही की याद आई पर इतनी देर में देर हो गई, फिलहाल हेल्थ नहीं है 40 की हेल्थ और अपने आप को हील करेंगे, सामने दो बंदे निकलेंगे लॉकेश गेमर की तरफ से देखेंगे और कब वापसी जी, अब वापसी होगी लॉकेश गेमर की तरफ से 5-4 से क्या ही गेम लॉकेश गेमर की स्क्वाड दिखा रही है, बाप रे बाप 10वें राउंड में पुशिंग हुआ है क्या लॉकेश गेमर की स्क्वाड, मैच 5-5 पे लाने वाली है या नहीं देखेंगे जरूर, यही उठते हुए जरूर आ रहे हैं, उठते हुए वापस भेज दिए गए और कंप्लीट कर देंगे 5-5 पे मैच आते हुए दिख रहा है जी, कम बैक कर रही है लॉकेश गेमर की स्क्वाड लगातार और बार बार पूरी स्क्वाड होल्ड करके खेल रही है, कोई भी ऊपर नहीं गया इस बार और नीचे से खेलते हुए नजर आएंगे 3-on-4 में रॉकर सामने होने वाले हैं सीधे और महेंद्र लेफ्ट से देख रहे हैं बंदा कोई तो नहीं आ रहा और रोहन अंदर की तरफ होने वाले फाइट 3v4 की, तो देखेंगे जरूर मैच कैसा होगा मुकाबला कैसा होगा जब दो बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी, एक तरफ लॉकेश गेमर तो एक तरफ टीम डी और लॉकेश गेमर की स्क्वाड जिस हिसाब से वापसी कर रही है अब मौका दस्तूर नहीं देने वाली है मेरे ख्याल से, तो देखेंगे जरूर यहाँ पर रोहन क्या ट्राई कर रहे हैं, ये कौन सी ट्राई करने वाले ऊपर गए घर के, तो ये अलग ही राजी से साजी से बचाई और वापस गए वापस फिलहाल फाइट 3-on-4 की एडवांटेज है लॉकेश गेमर की स्क्वाड पर, गवाएगी लॉकेश गेमर की स्क्वाड इस एडवांटेज को, यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड ले लेगी इस एडवांटेज को, रोहन ने डैमेज जरूर दिया गया ऊपर बैठे हैं और डैमेज दे रहे हैं अच्छा खासा क्योंकि बंदे स्पॉट नहीं हो रहे थे इजीली क्योंकि बंदे पूरे होल्ड कर रहे हैं, विशाल 4 किल के साथ खेल रहे हैं 6 किल का शिवम और जय MVP बने हुए और साथ साथ 8 किल के साथ रॉकर MVP बने हुए और 9 किल के साथ सॉरी मैं रोहन MVP बने हुए, ऊपर जरूर चढ़े पर लो कर दिए गए काफी तो मुश्किल ही बचेंगे रोहन क्या देखेंगे जरूर 4-on-3 तीन ही बंदे टीम लॉकेश गेमर की स्क्वाड पूरा चढ़ना चाहिए टीम डी की स्क्वाड के ऊपर क्योंकि यहाँ पर एक बंदे को लो जरूर करा गया, महेंद्र राय बाहुबली सीधा पुशिंग कर रहे हैं देखने वाली बात होगी, कैप्स भी सीधा पुशिंग है, भसड़ मचने वाली है बहुत गंदी भसड़ मचने वाली है, सामने बॉल लगा के महेंद्र बाहुबली को रोक दिया गया है और बॉल में इतनी देर में रोहन सर भी चले जाएंगे ऊपर से कूदते कामते और कंप्लीट 2v4 की फाइट होगी, अब 2v4 की फाइट होगी और लॉकेश गेमर की स्क्वाड मेरे ख्याल से मैच अपने नाम करती हुई नजर आ रही है जहाँ 5-5 मैच जा सकता है, तो देखेंगे जरूर कैसा है मुकाबला जाएगा क्योंकि अब अकेले महेंद्र बाहुबली रह गए, बॉल से जैसे बच के निकले जरूर पर अब फंसे जरूर फाइट 1-on-4 की 1-on-4 नहीं बचेंगे, मैच 5-5 पे लॉकेश गेमर की स्क्वाड होल्ड कर रही है दिमाग लगा रही है और राउंड निकाल रही है,
मैच बराबर कर चुके हैं दोनों ही टीमें, तो दोनों ही टीमें के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पर जीतने के लिए पूरा मैच पड़ा है जी हाँ। एंड टाइम का मैच, पांच पांच का मैच, तो देखेंगे जरूर कौन सी टीम कमबैक करेगी और कौन सी टीम राउंड खींचती हुई नजर आएगी इस मैच के अंदर। जी हाँ, दोनों ही टीमें काफी उम्दा और बेहतरीन तरीके, ओह माय गॉड 57 का डॉस दिया है और मुसीबतें बढ़ रही है टीम डी के लिए। तो देखेंगे जरूर टीम डी की स्क्वाड क्या कुछ करती दिखेगी इस मुकाबले के अंदर। यही ऊपर की तरफ होने वाले हैं, रोहन के साथ होने वाले हैं और महेंद्र बाहुबली और डी रॉकर होने वाले हैं, तो सारे बंदे यहाँ पे एक साथ एकजुट होने वाले हैं, तो मैच कैसा दिखाएंगे जी हाँ देखेंगे जरूर। उम्मीद है बहुत ज्यादा इन बंदों से कि गेम प्ले अच्छा दिखाएं और सामने वाली टीमों को दोनों ही एक दूसरे का मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि दोनों ही टीमें यहाँ पे एक दूसरे पे भारी पड़ रही हैं और कम बैक कर रही हैं। कोई एक राउंड वो लेती है तो एक राउंड वो लेती है, यानी किसी के लिए भी एक जीत तकदील नहीं मिल रही है लगातार और बार बार। तो देखेंगे जरूर ये राउंड और ये मैच कैसा पलटेगा और कैसे ये गेम प्ले करेंगी टीमें फिलहाल इस मैच के अंदर, तो देखने वाली बात होगी। 5-5 का मैच है और यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट मेलबोर्न मैच स्टार्ट हो गई है। महेंद्र ले रहे हैं, कौन ले रहा है, रोहन ऊपर की तरफ होने वाले, जय यहाँ पे राइट से ऊपर जाके बंदे को टारगेट करने वाले हैं। जी हाँ, 5-5 और ऊपर से कूदे, हेल्थ गई है, हील करेंगे अब आपको और शिवम की, हेल्थ बहुत ज्यादा लो जा पाएंगे या नहीं देखने वाली बात होगी। विशाल होने वाले घर के नीचे और यहाँ पे नीचे और यहाँ पे रॉकर ऊपर होने वाले, 4-on-4 भसड़ मचने वाली है, जोन होल्ड पे जा रहा है, गेम होल्ड पे जा रहा है, टीमें उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है, देखेंगे जरूर कौन सी टीमें मैच जीतेगी और कौन सी टीमें मैच आने वाली है। लॉकेस गेमर बना टीम डी का मैच, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक 25,000 रहने वाला है, जो भी वीडियो देख रहे हो फटाक से लाइक का बटन दिख रहा होगा कोने में, फटाक से लाइक कर दो और एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूले और लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर दे जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैच टीम डी नाम लॉकेस गेमर के बीच में 3-on-3 की फाइट, तो देखेंगे जरूर 3-on-2 की फाइट होगी, दो ही बंदे लॉकेस गेमर की तरफ से, टीम डी की तरफ से तीन बंदे रॉकर ऊपर से कूद रहे हैं, देखेंगे जरूर 1-on-1 में पूरी स्क्वाड की एलिमिनेट हो जाएगी, क्या रॉकर पर गेम निकाल सकते हैं और टीम डी की स्क्वाड मैच ले गई अपने नाम 6-5 से, क्या बात है, कह सकते हैं मैच पॉइंट पे टीम डी पर लॉकेस गेमर की स्क्वाड अगर ये राउंड जीतती है तो समझ लो मैच गर्मा गर्मी पे आ जाएगा। तो देखेंगे जरूर क्या कुछ इस राउंड में होगा, क्या लगता है आप सभी को कहां पे ये मैच जाने वाला है और कैसा ये मैच जाने वाला है। और फिलहाल 6-5 की लीड डी टी के हाथ में और एक बंदा लॉकेस गेमर की तरफ से मिस्टर चेंज लॉक हुए और पहला खतरा भारी बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्या यहाँ से गेम चेंज होगा, क्या यहाँ से मुकाबला चेंज होगा, क्या यहाँ से लॉकेस गेमर की स्क्वाड हारेगी या फिर कमबैक कर सकती है। 3-on-4 की फाइट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिलहाल देखेंगे जरूर। विशाल शुभम और कैप्स और एक बंदे को नॉक ले लेंगे, डीएआई यहाँ पे नॉक जरूर हुए हैं तो मुसीबतें बढ़ गई हैं डीएआई के लिए। 3-on-3 में 3-on-2 में 3-on-2 में मुसीबतें बढ़ गई हैं, दो ही बंदे लॉकेस गेमर के, तीन बंदे टीम डी के होने वाले, यहाँ पे देखेंगे जरूर कैसे गेम प्ले करेंगे लॉकेस गेमर की तरफ से। शुभम और विशाल दोनों पूरा ट्राई हार्ड डालेंगे और पीछे से हेडशॉट आगे जा रहे थे आंख बंद करके, और डी रॉकर इस गेम के अंदर जिस हिसाब से खेल रहे हैं अलग ही लेवल आग लगाए हुए हैं फिलहाल, और क्या बात है डी रॉकर ट्रिपल किल देके 7-5 से मैच जिता दिया टीम डी को और 11 किल के साथ डी रॉकर एमवीपी रहे। और बात करें तो 10 किल के साथ रोहन अच्छा खेले, अगेंस्ट में बात करें तो मिस्टर जय 8 किल के साथ एमवीपी रहे। पहले मैच में इतना ही, मिलते हैं दूसरे मैच में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।